हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। आज मैं 8 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं और ये मैथमेटिक्स का वीडियो जो होगा वो गुणनखंड का होगा। ये होगा भारती भवन बुक का क्लास 8 का वीडियो, ठीक है। तो भारती भवन बुक का मैथमेटिक्स का वीडियो है और ये एक्सरसाइज आपका होगा 8A का होगा, ठीक है। तो 8A का हम आज बनाएंगे 6 नंबर का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। लेकिन ये गुणनखंड जो दिया है ये सूत्र में बैठने वाला नहीं है, इसको क्या करेंगे, मध्य पद विश्लेषण के द्वारा इसको हम बनाएंगे। तो देखिए, सीखिए इसको कैसे बनाया जाता है। 6 नंबर का है एक्सरसाइज है 8A का, ठीक है। क्लास कितना है, क्लास है 8। कौन सा, भारती भवन का, भारती भवन, ठीक है। तो देखिए, ए नंबर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। अब करना क्या है, आपको इसको गुणनखंड करना है, यानी 28 को क्या करेंगे आप, उत्पादक लेना है। इसको 2 से लिया 14 आया, फिर 2 से ले लीजिए 7 आया, फिर इसके बाद 7 से ही लेना पड़ेगा आपको। तो 2 × 2 × 7 आया। अब ये ध्यान रहना पड़ेगा कि इसमें से इसको हम किस तरह से दो ठो फैक्टर में इसको मल्टीप्लाई करें और उसको एड या अथवा माइनस जो भी हो करने के बाद 11 आ जाए। तो यहां देखिए सारा प्लस में है तो इसमें कभी भी माइनस का बात नहीं आएगा, आपको एड करके ही मिल जाएगा। तो देखिए यहां पे 2 × 2 = 4 आएगा और प्लस 7, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 11। तो हमको यही चाहिए, तो इसी को मध्यपद विश्लेषण कहते हैं। तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 7 प्लस 4 किसको लिख सकते हैं आप, 11 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 को 7 प्लस 4 लिखिए, अब प्लस 28 जैसे है वैसे रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट खोलिए, तो 7x 4x प्लस 28। अब x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 7 आएगा, अब प्लस 4 कॉमन ले लीजिए x प्लस 7 आएगा, मतलब यहां जो आएगा वही दिखेगा यहां भी आएगा। तो इसलिए अब x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x प्लस 4 और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस 7 x प्लस 4। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आ गया तो फिर से एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 है, आपको 28 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन किए तो आपको आया क्या, 4 × 7 आया, 4 × 7 आया, मतलब 4 और 7 को अगर एड करते हैं तो 11 आ जाता है। तो आपको करना क्या है कि 11 के जगह पे 7 और प्लस 4 आप लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ करने से 11 आपका आने वाला ही है। इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करके इस रूप में ले आएंगे, उसके बाद डबल डबल में आप कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन x आएगा तो x प्लस 7 आएगा, इसमें अगर 4 आएगा तो x प्लस 7 आएगा, ये देखिए सेम आ गया। फिर एक बार कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 7 आएगा, इधर x प्लस 4 आएगा। बी नंबर का सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, देखिए ये भी प्लस में ही है इसलिए 42 को आपको तोड़ना पड़ेगा। चलिए 42 को तोड़ते हैं, 2 से लगाइए तो कितना आएगा 21, फिर आप 2 से नहीं लगा सकते हैं, 3 से लगाइए 7 आएगा, फिर 7 1। तो देखिए यहाँ पे आया 7 × 6, 7 × 6 बराबर 42, और 7 6 को ऐड करिए तो 13 आ जाता है कि नहीं आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 7 + 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 6x + 42, कॉमन ले लीजिए x, x प्लस 7 प्लस 6 लीजिए तो x प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 7, इधर आ जाएगा x प्लस 6 और यही आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है ना, ठीक है। अब सी नंबर को, सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी नंबर में है a प्लस 17a प्लस 72, ठीक है। अब 72 को फिर उसी तरह से करिए,
फैक्टराइजेशन करिए, 2 से करिए तो आएगा 36, फिर 2 से करिए तो आएगा 18, फिर 2 से करिए आएगा 9, फिर 3 से करिए आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 17 लाना है, तो देखिए 3 3 3 9 9 यहाँ तक आ गया, 2 2 4 2 8 9 आया, यहाँ पे 8 आया, ठीक है। तो 9 × 8 72, 9 + 8 कर सकते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 9 + 8, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है बताइए, ये कॉमन आएगा, ए प्लस 9 + 8, ए प्लस 9, ए प्लस 9, ए प्लस 8, और यही इसका आंसर, ठीक है। सी नंबर भी कंप्लीट। अब देखिए डी नंबर को कैसे बनाएंगे आप, डी नंबर का देखिए सवाल क्या है। डी नंबर में है आपका पी स्क्वायर प्लस 16p + 63। चलिए 63 को तोड़ना अगर चाहें तो 3 से तोड़िए, 3 × 6 3 × 3, फिर 3 से तोड़िए 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 × 3 = 9 = 63, 9 × 7 = 16 होता ही नहीं हो जाता, पी स्क्वायर प्लस 9 + 7 हो गया ना, पी स्क्वायर प्लस 90 + 70 + 63, पी कॉमन ले लीजिए, पी प्लस 9 + 7 कॉमन ले लीजिए, पी प्लस 9, अब बताइए पी प्लस 9 और पी प्लस 7, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x + 30, अब देखिए यहाँ माइनस में आ गया, ठीक है। तो माइनस में आ गया तो कहीं ना कहीं आपको जो टूटेगा, 30 को तोड़िए तो 2 से लिया तो 15, 3 से लिया तो 5, ठीक है, 5 आया और 2 3 आया, बोलिए क्या लेना है आपको, 6 और 5 लेना है, ठीक है। यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 5, बोलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 + 5, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आप 6x - 5x + 30 आएगा, ठीक है। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 6, माइनस 5 अगर कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आएगा x - 6, ठीक। तो अब आएगा x - 6 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आएगा x - 5, समझ गए हैं, तो ई नंबर हो गया। अच्छा अब चलिए एफ नंबर बना दे, एफ नंबर में क्या है, y² - 12y, चलिए y² - 12y और क्या दिया है, +20, वाह वाह, देखिए y², अच्छा 20 को आप 12 में कैसे तोड़ेंगे, 20 को आपको 12 में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आराम से तोड़िए इसको, बस तोड़ने का तो नियम आप जान ही गए हैं कि कैसे तोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो क्या 12 में तोड़ सकते हैं, 20 को आप 12 में तोड़ सकते हैं, 5 5 4 9 5 × 10 = 2 10 × 2 तोड़ लीजिए, चलिए 10 + 2 तोड़ दिए हैं। y² - 10y - 2y + 20, y कॉमन ले लीजिए, y - 10 - 2 कॉमन ले लीजिए, y - 10 = y - 10 × y - 2, और यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ठीक है ना आंसर, ठीक है तो आगे बढ़े। अब देखिए एफ के बाद क्या है, एफ के बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद क्या होता है, जी होता है। चलिए जी नंबर देखिए, जी नंबर में क्या है, x² - 22x + 85, अब 85 को 22 में तोड़ना है, ठीक है।
चलिए 85 को अगर हम ले लेते हैं तो 5 से लगा दीजिए 17, बताइए अब तो बस 17 से ही लगेगा ना, 17 5 22 होता ही है, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 17 प्लस 5 ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85, x माइनस 17 माइनस 5x माइनस 17, x माइनस 17 ले लीजिए बच जाएगा x माइनस 5, आंसर हो जाएगा ना, कोई डॉट तो नहीं ना है, ठीक है। चलिए जी हो गया, जी के बाद चले आइए एच नंबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 60, चलिए 60 को 19 में तोड़ेंगे, तो चलिए 60 को तोड़ते जाइए 2 32 15 5 3 3 1, अब देखिए 5 3 15, 2 2 4, 15 4 19, एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4 x प्लस 60, चलिए आगे बढ़िए एक्स स्क्वायर माइनस 15 x प्लस 4 x प्लस 60, ठीक है, तो एक्स माइनस 15 प्लस 4 कॉमन ले लीजिए एक्स, ये क्या हुआ भैया, यहाँ गड़बड़ कर दिए ना, यहाँ पे माइनस होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, अब जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होना ही है, ठीक है, अब ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया एक्स माइनस 4 और यही क्या हो गया आंसर। आई नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, चलिए 28 को आप 7 × 4 कर सकते हैं ना, चलिए ठीक ही 7 × 4 ही कर लो, एक ही बार कर दीजिए, 7 − 3 करेंगे तो 4, एक मिनट, 7 − 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 को हम 7 − 4 कर लेते हैं 28 कर लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 28, चलिए अब x को मान लीजिए x माइनस 7 प्लस 4 को मान लीजिएगा तो x माइनस 7 ही ना बचेगा, अब x माइनस 7 जब ले लेंगे कॉमन तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 बचेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर वही हो जाएगा, यानी एक्स माइनस 7, ठीक है, एक्स माइनस 7 दूसरा आ गया एक्स प्लस 4, ये हो गया आई नंबर का एच आई। ठीक है आई नंबर का, अब आते हैं जे नंबर में, जे नंबर में देखिए क्या क्या है, जे नंबर में क्या है भाई, जे नंबर में है एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 40, चलिए 40 को 6 में तोड़िए, 40 को 6 में तोड़िए तो 2 से लगाएं तो 20 आया, 2 से लगाएं 10 आया, फिर 2 से लगाएं 5 आया, तो देखिए 6 में आ जाएगा क्या, देखिए तो 5 × 10 और 2 × 4 आज हो गया है, एम स्क्वायर माइनस कितना 10 − 4 आ जाएगा ना 6, चलिए ठीक है एम स्क्वायर माइनस 10m माइनस माइनस प्लस 4m माइनस 40, चलिए m कॉमन m माइनस 10 प्लस 4 कॉमन m माइनस 10, अब बताइए m माइनस 10 आएगा और इधर आ जाएगा m प्लस 4, तो m माइनस 10 m प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया। के नंबर में देखिए क्या दिया है, के नंबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60, ठीक है, अच्छा तो 60 को 11 में तोड़ सकते हैं, 15 × 4 इसके पहले तोड़ चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं 15 − 4,
बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 60। एक्स कॉमन लीजिए एक्स माइनस 15 और प्लस 4 कॉमन लीजिए एक्स माइनस 15। अब बताइए क्या होगा, x माइनस 15 होगा और दूसरा होगा x प्लस 4 और यही आपका आंसर होगा। तो के भी कंप्लीट। एल एल देखिए एल एल में क्या है, एल में है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12। तो 12 को एक में तोड़ना है, यहां कुछ भी नहीं तो एक है, तो 4 तिया 12 होता है, तो 4 माइनस 3 कर देने से ही हो गया काम आपका। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 12। ए कॉमन ले लीजिए a माइनस 4 प्लस 3 a माइनस 4 और फिर इसको कर लीजिए a माइनस 4 कॉमन तो आएगा a प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एल भी कंप्लीट। एल अच्छा चलिए अब m m देखिए कैसे बनाते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 24। अब 24 को 5 में तोड़ना है, 12 गुना 2 और 4 गुना 3 गुना 2 तो 3 दुनी 6 चौक 24 और इसको 2 गुना 2 तोड़ कर दीजिए 3 गुना 2। इस तरह से हम भी तोड़ सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो अब 2 दुनी 4 दुनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है तो 8 और तीन कर देते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 8 24 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है ना, 8y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 24 बराबर y कॉमन y माइनस 8 प्लस 3 कॉमन y माइनस 8। ठीक है, y माइनस 8 और फिर y प्लस 3 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। इस तरह से 8a का 6 नंबर का सारा गुणनखंड कंप्लीट। जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 24। जेड स्क्वायर माइनस 24 को 2 में लीजिए तो 6 गुना 4 कर लेना, 6 माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस माइनस प्लस 4z माइनस 24 कॉमन लीजिए जेड जेड माइनस 6 प्लस 4 कॉमन लीजिए जेड माइनस 6 कितना आ जाएगा बोलिए, तो जेड माइनस 6 इधर आ जाएगा जेड प्लस 4 और यही क्या हो गया आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू और थैंक यू वेरी मच।